एक बार दोनों मुट्ठी बांध के बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम। खबर जनपद मिर्जापुर से है। रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा जनपद मिर्जापुर के भिन्न भिन्न स्थानों से निकाली गई। श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा में लगभग 5 लाख लोगों ने भाग लिया। श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए सांसद व फिल्म जगत के जाने माने कलाकार मनोज तिवारी ने भाग लेते हुए श्री राम भक्तों के साथ श्री राम के जयकारे भी लगाए। मनोज तिवारी ने कहा कि एक समय ऐसा था कि लोग घरों से शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए कम निकलते थे, लेकिन आज इस समय शोभा यात्रा में हर घर से 1 से 2 लोग श्री राम के भव्य शोभा यात्रा में निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस श्री राम जन्म उत्सव शोभा यात्रा के साथ साथ माँ विंध्यवासिनी देवी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शोभा यात्रा निकाली गई, उस समय का दृश्य कुछ अद्भुत दिखा। जनपद मिर्जापुर में जिस गली चौराहे पर निकले वहां राम भक्तों का जमावड़ा दिखा, साथ ही साथ पूरा नगर डीजे की आवाज़ों के साथ श्री राम के जयकारों से गूंज रहा था। श्री राम जन्म उत्सव यात्रा के दौरान आयोजकों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की झांकियां भी निकाली गई। संगमोहाल पर आए फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता व सांसद मनोज तिवारी ने लोगों को पचरा गीत व दर्शकों की मांग पर कुछ गाने भी सुनाए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जब वह गंगा पुल पर पहुंचे तो वहां से श्री राम भक्तों का जमावड़ा देख उनका मन प्रफुल्लित हो उठा। जगह जगह राहगीरों को खाने पीने की सामग्री भी वितरित करते देखा गया, जहां भक्त रुककर अपनी भूख व प्यास बुझाते देखे गए। प्रस्तुत है अनुपम न्यूज के साथ फिल्म जगत के कलाकार
व सांसद मनोज तिवारी से एक बातचीत। सर, राम भक्तों के बीच में आ जाए, क्या कहना चाहेंगे? हम तो जन्म से ही राम भक्तों के बीच में हैं जी, और राम जी की ही देन है कि हमें किसी ने माँ विंध्यवासिनी का रास्ता दिखा दिया, जीवन में उजाला हो गया, वरना तो अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन आज जो रामनवमी पे हम मिर्जापुर आए हैं, ये हमारे जीवन का एक अनूठा दिन है, जिस माँ विंध्यवासिनी की कृपा से हम लोग आज पूरी दुनिया में भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ मिल कर के देश और दिल्ली की सेवा में लगे हैं। आज मैं मिर्जापुर में वहाँ पे शोभा यात्रा में शामिल हो रहा हूँ, जहाँ से मेरी जीवन यात्रा शुरू हुई है, मेरी सफलता की यात्रा शुरू हुई है। और मैं अपने बीजेपी के जिलाध्यक्ष जी भी हमारे दाहिने तरफ बैठे हैं, हमारे इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर मनोज श्रीवास्तव जी बैठे हैं, और सभी साथी विधायकगण, यहाँ के जिला परिषद के सदस्यगण और आम नागरिक, हम सभी मिल करके 500 वर्षों की एक अनूठी सफलता को इस साल शोभा यात्रा में सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको भी पता है, 5 सदी के बाद वापस अयोध्या जी में रामलला का भव्य मंदिर बनके तैयार हो रहा है। लोगों में जो उत्साह दिख रहा है वो अनुपम है। मंदिर कब तक बन जाए? 2024 फरवरी में, जैसा कि हमारे देश के गृह मंत्री जी ने आप सबको न्योता दिया है, 2024 फरवरी के बाद आकर के आप रामलला के भव्य मंदिर का अयोध्या जी में दर्शन करेंगे। कितना भीड़ होगा? आप रास्ते में आ रहे थे, कई जगह जाम में भी फंस गए थे। मुझे लगता है कि कम से कम 3 से 4 लाख लोग सड़कों पे हैं। मैं गंगा जी पार और गंगा जी के उस पार भी देख रहा हूँ, जगह जगह लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। ये मात्र शोभा यात्रा नहीं है, बल्कि राम की गौरव यात्रा भी।